महाकाल लोक में आंधी हवा से खंडित हुई मूर्तियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी ओर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने उज्जैन महाकाल लोक क्षतिग्रस्त मूर्तियों को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि इस पूरे निर्माण कार्य में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी द्वारा तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर कांग्रेस के पास कोई भी भ्रष्टाचार का प्रमाण है तो उसे प्रस्तुत करना चाहिए। वह कांग्रेस पार्टी को चैलेंज देते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि 7,50,00,000 रूपये की लागत से महाकाल लोक में 100 मूर्तियां लगाई गई। एजेंसी का मेंटेनेंस 3 साल के लिए है। आंधी हवा में 6 मूर्तियां डैमेज हुई है, उन्हें एजेंसी दोबारा स्थापित करेगी। मंदिर में, कुरुक्षेत्र में, सिक्किम में, इंडोनेशिया आदि कई जगह पर FRP की मूर्तियों का उपयोग इस तरह की चित्रकला में या आर्ट में होता है, और इसमें जो एजेंसी है, एजेंसी का 3 वर्ष का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो एजेंसी ये जो 6 मूर्तियां प्रभावित हुई हैं उनको पुनः स्थापित करने का काम एजेंसी करेगी। एजेंसी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं, और इसमें कमिश्नर उज्जैन संभाग की भी रिपोर्ट आई है, और उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि बहुत तो तेज़ हवा, आंधी, तूफान, जिसके कारण कई मकान गिरे, पेड़ गिरे। इन मूर्तियों की भी हाइट काफ़ी थी, 10 फुट लगभग पेडेस्टल था और 11 फुट मूर्तियों की हाइट थी, उससे उस कारण से प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कांग्रेस इसमें गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने एक भी तथ्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया कि जिसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया हो, कोई तथ्य उन्होंने रखे हो। सिर्फ भ्रष्टाचार कह देना, इससे भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता है। कोशिश करना, ये कांग्रेस का हमेशा चरित्र रहा है और खुली चुनौती है कि अगर कांग्रेस के पास एक भी कोई भ्रष्टाचार का प्रमाण है तो वो आपके समक्ष, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें, और नहीं तो प्रदेश की जनता से वो इसके लिए माफ़ी मांगे। ये मांग सरकार की तरफ से हम आज कर रहे हैं।